और फिर वापस आने का वेग है 60। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 48 आ जाएंगे आंसर, जो दिए हुए प्रश्न में इसका उत्तर 48 हो जाएगा। इसके बाद है दोस्तों अगला क्वेश्चन, गति ऊर्जा व्यक्त किया जाता है, तो गतिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होते हैं, हाफ एम बी स्क्वायर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है, तो प्रतिध्वनि आप सभी जानते हैं ध्वनि तरंगों के प्रवर्तन के कारण प्रतिध्वनि सुने जाते हैं, है ना, एक उत्तर हो जाएंगे इसके। तार में वोल्टेज और धारा का अनुपात क्या कहलाता है, आप सभी लोग जानते हैं कि तार में वोल्टेज और धारा का अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, ओम्स नियम के अनुसार रेजिस्टेंस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पानी से भरा एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, पूरी बर्फ के पिघलने पर बर्तन का जल स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप सभी जानते हैं इसका उत्तर, बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो पिघल बर्तन का जो जल स्तर रहेगा अपरिवर्तित रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दो समानांतर दर्पणों के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है, तो इससे बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। देखिए, दो समानांतर दर्पण के बीच अगर कोई वस्तु को रखते हैं तो उससे बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या दोस्तों असंख्य होती है दोस्तों, क्योंकि दो समानांतर दर्पण के बीच जो समानांतर दर्पण रहते हैं तो उसके बीच कोई एंगल नहीं बनता है, और उसका फॉर्मूला होता है 360/θ-1, तो थीटा का मान बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, समानांतर है, पैरेलल है, तो दोनों के बीच कोई एंगल नहीं बन रहे हैं, तो यहाँ पे कोई एंगल नहीं बन रहे हैं, तो इनफाइनाइट लेके चलेंगे, तो इस तरह से इसका वैल्यू जो है असंख्य आते हैं, असंख्य फॉर्मूस असंख्य प्रतिबिंब बनेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कम से कम यांत्रिकी लाभ वाले लीवर में होता है, मानो एक से कम यांत्रिकी लाभ वाले लीवर में होता है, क्या होता है दोस्तों, एक से कम यांत्रिकी लाभ वाले लीवर में होता है दोस्तों, है ना, फलक्रम और भार के बीच में प्रयास, फलक्रम और भार के बीच प्रयास होता है दोस्तों, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों, फलक्रम और भार के बीच प्रयास। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक पिन समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाती है, यदि वह दर्पण पिन की तरफ 10 सेंटीमीटर घिसक जाए तो उसका प्रतिबिंब कितनी दूर घिसके। देखिए दोस्तों, एक पिन समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाती है, यदि वह दर्पण पिन की तरफ 10 सेंटीमीटर घिसक जाए तो उसका प्रतिबिंब कितनी दूर घिसकेगा। हम सभी जानते हैं समतल दर्पण का प्रॉपर्टीज हम लोग सभी पढ़े हैं कि वस्तु जितना घिसकती है दर्पण की ओर उससे दुगना स्पीड से प्रतिबिंब घिसकेगा बस दोस्तों, तो इसका दुगना स्पीड कितना हो जाएगा, दुगना 10 सेंटीमीटर का दुगना 20 सेंटीमीटर हो जाएंगे दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 20 सेंटीमीटर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, लिफ्ट में किसी आदमी का भार कम हो जाता है वास्तविक भार से जब लिफ्ट जा रही है किसी त्वरण के साथ नीचे, जब कोई लिफ्ट एक समान त्वरण से नीचे की ओर जाती है दोस्तों, किसी त्वरण के साथ नीचे जाती है तो उसमें बैठे हुए व्यक्ति का जो भार है, है ना, वो कम मालूम पड़ता है, कम हो जाता है वास्तविक भार से, तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसी त्वरण के साथ नीचे जाता है तो उस व्यक्ति का भार कम महसूस होते हैं अपने वास्तविक भार से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस रंग की तरंग लंबाई सर्वाधिक होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे लाल रंग। अगला क्वेश्चन है, भूस्थैतिक उपग्रह की ऊंचाई के मान को निम्न में से कौन सा दर्शाता है, मतलब जो जियो स्टेशनरी सेटेलाइट जो होते हैं वो पृथ्वी से कितने ऊंचाई तक, वो मतलब ऊंचाई तक रहते हैं वो पूछ रहा है इसमें, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर भूस्थैतिक उपग्रह को रखा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से आने वाले अल्ट्रा वायलेट किरणों को कौन सी गैस अवशोषण करती है, तो इसका उत्तर हो जाएंगे दोस्तों ओजोन,
ओजोन जो परत होती है वो सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट किरणें हैं, प्रावैग्निक किरणों हैं, उसको अवशोषण करने का काम करती है ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्रेस्ट बोल्ट के थ्रेड का कौन सा पार्ट है? क्रेस्ट जो है किसी भी बोल्ट के थ्रेड का सबसे ऊपर वाला भाग होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संवेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं, तो संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब कोई साइकिल सवार वृत्तीय पथ पर घूमता है तो वह अंदर की ओर झुकता है दोस्तों, अंदर की ओर झुकता है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक माइक्रोन किसके बराबर होते हैं? तो 0.001 मिलीमीटर के बराबर होते हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मायोपिया आँख, मायोपिया जो होते हैं किसके प्रयोग द्वारा ठीक की जा सकती है? तो मायोपिया जो होते हैं वो अवतल लेंस के प्रयोग द्वारा ठीक किए जा सकते हैं दोस्तों। दोस्तों अब मैं अगला वीडियो में मैं आपको आगे का क्वेश्चन बताऊंगा। इस चैनल पे जो भी नए हैं उसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपके लिए जो मैं मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों उसको मेरे को सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आगे का वीडियो मैं आपके लिए बना सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।